हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यूएफए चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है बेयर मुनिच वर्सेस वीपी के बीच 2 घंटे 38 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, देन बेयर मुनिच और वीपी में यार सीधी आपको बता दूँ तो जीतने के चांसेस सीधे बेयर मुनिच के बनते हैं, क्योंकि बेयर मुनिच टीम इनसे बहुत स्ट्रांग है यार। बेयर मुनिच टीम जिस लीग के अंदर खेलती है ना, वो बंडसलीगा लीग है, एंड बंडसलीगा लीग के अंदर जो रिकॉर्ड है ना इस टीम का, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बेयर मुनिच से जो एक्सपेक्ट करना है कर लो, क्योंकि वो वेल ही परफॉर्म करने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, हम स्ट्राइकिंग से शुरू करेंगे। आज मैं गोलकीपिंग से शुरू नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ समझाना है आपको भी लगेगा अजीब है, लेकिन नहीं। तो टीम अलग की बात करें, एक मैच हुआ था कुछ ही दिन पहले बंडसलीगा लीग के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने वेल परफॉर्म किया था, लेकिन ये अलग लीग का मैच है, तो शायद थॉमस मलर या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि बार्सिलोना के खिलाफ भी ये फ्लॉप हुआ था, प्लस इंटर मिलन के खिलाफ भी। अब आज देखते हैं, चलो वो दोनों टीम्स अच्छी थी, एक टीम ललिगा लीग की थी, एक टीम सीरी लीग की थी, और आज तो बिल्कुल हटके है, तो आज तो इसको कुछ करना चाहिए। बाकी अगर मैं सादियो माने की बात करूं, तो मेरे को माने से बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप हाल देख रहे हो ना लिवरपूल टीम का। चलो लिवरपूल लास्ट मैच में ड्रॉ करके गई, आई एग्री, लेकिन किस टीम के खिलाफ गोल खाए? BHA टीम के खिलाफ। तो लिवरपूल जब से इसने छोड़ी है, लिवरपूल का हाल देख रहे हो, लिटिल बिट ऑफ कमज़ोर हुई है। इसका मैं ये नहीं कह रहा कि सादियो माने होता तो जिताता था, मैं वो नहीं कह रहा, कई बार सादियो माने खेलता भी नहीं था तो भी लिवरपूल जीतती थी, लेकिन फिर भी एक मन में बात तो आएगी ना कि इसने टीम छोड़ी तो कितना लकी प्लेयर था। एंड मुस्केरो की बात करें, यहाँ पर मुस्केरा की जगह कई लोग होंगे जो लेकर जाएंगे थॉमस चोरी को, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे मत बोलना कि भाई तुमने थॉमस नहीं लिया, वो गोल कर गया। मैं अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो पेनल्टी लेता है, लेकिन अगर वो फ्लॉप हुआ ना तो बहुत बुरा हारोगे। मतलब अगर आप इसको लेते हो ना, तो आप बोलोगे हमें गोल चाहिए। अब ये तो किसी का बाप भी नहीं करा सकता कि आपने प्लेयर ले लिया वो गोल कर दे, हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो समझ ही रहे हो ना। आगे से अगर बात करें, नेक्स्ट प्लेयर की यहाँ पर है लेरॉय सेन के जो दो ये आप गोल्स देख रहे हैं, उसके बाद भी ये फॉर्म में रहा। एक गोल 8 सितंबर को आया था, एक 14 सितंबर को, उसके बाद 14 सितंबर के बाद अभी एक मैच हुआ था अभी ये 4 दिन पहले, यार मेरे को डेट नहीं याद एग्जैक्ट, हो सकता है 1 अक्टूबर या 30 सितंबर को, जो भी मैच होता मुझे नहीं याद, हो सकता है 2 दिन पहले हुआ हो। तो उसके अंदर इसने क्या किया, इसने फिर गोल किया था, तो यार ये बहुत तगड़ी फॉर्म है। और किमिच की बात करें, किमिच तो यार उनसे भी बढ़िया प्रदर्शन दे रहा है। मतलब आपको पता है, मैं ऐसा बंदा न्यू जो तीन डिफेंडर, जो मैं दो डिफेंडर लेके उतरूंगा, हमेशा मैं एक टीम का 3 डिफेंडर लेता ही लेता हूं। आज पहली बार मैं मुशियाला के चक्कर के अंदर रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि मुशियाला अगर खेलेगा तो मेरा वाइस कैप्टन हो सकता है। मैं एल सेन या फिर मुशियाला में से किसी एक को वाइस कैप्टन रखने वाला हूँ। और सिकोरा की बात करें, अभी आप सिकोरा को ले रहे हैं, बाकी इसकी जगह एक और पच्छा पिक है जो नीचे से है, जिसका नाम है पैवल, बट पैवल को कोई लेगा नहीं, तो मैंने उसकी बात ही नहीं छेड़नी, कि मैं नहीं आपको कहूँगा कि आप ट्राई करो, क्योंकि स्मॉल लीग के अंदर रिस्की है। आगे से अगर बात करें एल हर्नांडिस ने पिछले मैच में बार्सिलोना के खिलाफ किया गोल, एंड इंटर मिलन के खिलाफ इसने विदाउट एनी गोल 53 पॉइंट दिया था, क्योंकि क्लीन शीट लग गई थी। एंड बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, डेट उपेमेकानो ने विदाउट एनी गोल पिछले मैच के अंदर बार्सिलोना के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन किया। देखो बेयर मुनिच क्या है, इनका स्ट्राइकर नहीं चला पिछले मैच में, ठीक है, दोनों स्ट्राइकर नहीं चले, तब भी इस टीम ने बार्सिलोना को क्लीन शीट से हराया, उसके बाद इंटर मिलन को भी क्लीन शीट से रहा। तो ये तो मैं दाद दूंगा टीम की, अगर एक प्लेयर फ्लॉप होता है तो दूसरा चलने का दम रखता है, ये बात है इसके अंदर खासियत। बात करें इस चैनक का आज इम्तिहान है, क्योंकि इस चैनक आज पता चलेगा आज क्या टीम होती है, आज गोल रोकता ही रह जाएगा ये। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है सादियो माने, वाइस कैप्टन के बहुत ऑप्शन है, किमिच को मैं नहीं रखूंगा, मैं या तो रखूंगा मुशियाला एल सेन बस, या रिस्क लूंगा तो मलर पे रिस्क मैं वैसे लूंगा नहीं, अगर लेता तो मैं इसको रखता, वैसे मैं सेफ जाऊंगा लेरॉय सेन या मुशियाला के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।